हेलो मिरेकुलस फैन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिरेकुलस लेडीवेक के कुछ सबसे पावरफुल एक्मेटाइज विलन के बारे में। इसमें ना तो हम लोग शैडो मॉर्थ की बात करने वाले हैं, क्योंकि वो तो हमारा मोनाच ही है जो कि मेन विलन ही है। ना तो हम मेयूरा की बात करेंगे, ऐसे विलन की बात करेंगे जिसको हमारे हॉकमोथ ने एक्मेटाइज किया है एंड उसके बाद जाके वो विलन बने। एंड विलन बनने के बाद उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी आती है, और कुछ विलन ऐसे भी हैं जो कि मोनाच को भी भारी पड़ सकते हैं हराने में। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते हैं, इसलिए हम लोग इसमें टॉप 10 एक्मेटाइज विलन के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आती है हमारी सफारी। सफारी को सिंपली आप समझ सकते हो कि मार्वल का क्रेवन द हंटर हो सकती है, यानी कि जो किसी शिकार करने के लिए स्पेशल बनाया जाए, और अगर कोई शिकारी किसी को शिकार बना लेता है तो उससे बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी तरीके से जो हमारी सफारी है, इसके पास मिरेकुलस के शिकार करने के सारे हथियार हैं, यानी कि ये मिरेकुलस का हंट कर सकती है। इसमें हमने देखा भी था किस तरीके से सफारी ने लेडीबग और कैटनोवा को कितना ज़्यादा पुश कर दिया था, उनको हराने तक पहुंच गई थी, अगर वो लोग लास्ट मोमेंट में कोई अलग प्लान नहीं सोचते, क्योंकि सफारी के पास हंटर वाली पावर है और वो हंट कर सकती है मिरेकुलस को। यानी कि जितने भी मिरेकुलस होल्डर हैं इन सभी के लिए सफारी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा खतरा बन सकती है, और ऐसा ही हुआ था एपिसोड के अंदर। लेकिन जैसे कि आपको पता है, आगे आने वाली विलेन सफारी से भी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 9 पे आते हैं हमारी कैटली। जैसे कि पिछली जो हमारी विलेन थी वो भी हमारी नेथलिया थी, और ये भी नेथलिया ही है। जब जो हमारा साइडोमॉथ था, मतलब कि पावर में हारने लगता है लेडीबग से, तो नेटली को कैटलीज बनाते ताकि उसकी पावर को इंक्रीज कर सके। कैटलिस की पावर यह है कि कोई भी रिएक्शन को तेज करता है। तो सिंपली सी बात है, ये जो कैटलिस्ट है ये किसी भी मिरेकुलस फोल्डर की जो पावर होती है वो कई गुना यानी कि 10 times फोल्ड में बढ़ा सकती है। और किसी की पावर को बढ़ाना यानी कि उसको जो है अनबीटेबल बनाना, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाना। और इसी तरीके से ये पावर के मामले में हमारी सफारी से ज़्यादा आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलेन बन जाती है। लेकिन आगे आने वाले जो विलेन है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 8 पे हमारे आते हैं मास्टर फू, यानी कि फ्यूरियस फू जो है वो एक्मेटाइज हो गए थे, फ्यूरियस फ्यू बने थे। जैसे कि इनके पास तो कोई स्पेशल पावर नहीं है, बट जैसे कि आपको पता है ये पहले मिरेकुलस होल्डर थे और दूसरा मिरेकुलस के गार्डियन भी थे, तो ये इनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और एक्सपीरियंस तो 100 सालों का भी है। और इसी के साथ इनको कुंग फू आता है, और इनकी जो स्पीड, स्ट्रेंथ, एक्सेसिबिलिटी और जितनी भी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, यानी कि सिंपल सी बात है ये कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं, और ये बैटमैन की पावर के साथ, वो भी साथ में कुंग फू 100% परफेक्ट के। तो इस तरीके से ये स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन बन जाते हैं, जिनको हराने के लिए हमारे लेडीबग को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको हराने के लिए इनका कोई लव वन को लाना पड़ा था, जो कि कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था एंड काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड विलन था, तो इसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। नंबर 7 पे आती है हमारी स्टॉर्मी वेदर, जिसका ग्राफिक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, आपने देखा ही था। और इसी के साथ जो पहली बार स्टॉर्मी वेदर दिखाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन सेकंड टाइम इसका अपीयरेंस जो था वो स्क्रीन पे थोड़ा कम था, लेकिन बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा हॉरर थी। और जैसे कि आपको पता है कि इसकी जो पावर है वो स्टॉर्म को कंट्रोल करने की, यानी कि ये नेचुरल की कोई भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, यानी कि हवा, पानी, तूफान, बर्फ़ और इसी के सारे वेदर भी कंट्रोल कर सकती है। तो आप सोच सकते हो ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। एक हमारा थॉर है जो कि लाइटनिंग को कंट्रोल करके इतना ज़्यादा पावरफुल बना है, तो सोचो जो हवा, पानी और वेदर सबको कंट्रोल कर सकती है वो कितना ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि स्टॉर्मी वेदर कहाँ पे आ जाती है, और इसको हराने के लिए भी हमारे लेडीबग को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनी थी, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, तो इसलिए ये जो है नंबर 7 प्लेस तो डिज़र्व करती है। लेकिन इससे पहले जो आने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा कमाल की पावर रखते हैं। जैसे कि हमारा नंबर 6 पे आता है एविल स्ट्रेट है। जैसे कि आपको पता है एविल स्ट्रेट जो है
किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बना सकता था एंड स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो एक रियल लाइफ में चीज़ें हो सकती है। अब सोचो कि वो अगर मेलिकुलस को ही ड्रॉ कर दे तो उसके पास मेलिकुलस की कई सारी पावर आ जाएगी, यानी कि आप समझ सकते हो कि एवलिस्ट्रेटर की जो पावर है वो नेक्स्ट लेवल की है, जो कि हम लोग भी बचपन में सोचते हैं कि हमारे पास भी ऐसी पावर हो, यानी कि सकलक बूम बूम वाली पेंसिल हो जाए, जो भी ड्रॉ करे वो असल में हो जाए। तो आप सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ इसने जो है हमारे लेडी बग को कर्न और के नाक में भी दम करके रखा था, और यहाँ तक कि ये उनके मेरेकुलस भी लेने वाला ही था। समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर फोर पे हमारी आती है स्टाइल क्वीन। स्टाइल क्वीन के बारे में आपको पता ही होगा कि ये जो है हमारे मोनार्च यानी कि एड्रियन के फादर गैब्रियल ने खुद इसको गुस्सा दिलाया था एंड इसको जो है अपने खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया था जिसकी वजह से ये एक्मेटाइज हो गई थी, और एक्मेटाइज होने के बाद इसको जो है स्टाइल क्वीन की पावर मिली थी, यानी कि गोल्ड किसी भी चीज़ को टच करके गोल्ड बना सकती है और किसी को भी अपने अंदर कैद भी कर सकती है। और इसी के साथ आपको पता ही होगा कि ये गोल्ड को अब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा भी सकती है। तो सोच सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, और इसने दिखाया भी था कि इसकी पावर के आगे कोई भी नहीं टिक पाता, यहाँ तक कि हमारे एडियर को भी कैद कर लेती और बाकियों को भी कैद कर लेती, लेकिन दिमाग की कमी की वजह से ये हार जाती है। वरना पावर नंबर फाइव तो डिजर्व ही करती है, क्योंकि आपको पता है कि इसका स्टाइल जो था काफ़ी ज़्यादा अलग था, और ये काफ़ी ज़्यादा विलन एक्मेटाइज विलन से अलग ही थी, क्योंकि इसका जो मेन विलन था वो खुद हमारा मेन विलन ही था, यानी कि हमारे लेडी बग और कर्न इसके तो विलन ही नहीं रहते, इसके तो मेन विलन तो गैब्रियल रहता है जो कि हमारा सीरीज का मेन विलन है। तो आप ही सोच ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हटके विलन को बनाया गया था। तो नेक्स्ट हमारे नंबर फोर पे आती है स्ट्राइक बैक। जैसे कि आपको पता है स्ट्राइक बैक एक ऐसा मतलब सेंडी मॉन्स्टर था जिसके ऊपर कोई भी मिरेकुलस की पावर नहीं चलती थी, यानी कि जिसके ऊपर मिरेकुलस की पावर ना चले और मिरेकुलस की मूवी चल रही है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे हीरो उसके ऊपर अटैक करो, उसको कुछ हो ही ना, और ये सारे हीरोज़ की पावर को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे लड़ना मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है कि स्ट्राइक बैक से लड़ने के लिए पूरी की पूरी मिरेकुलस की आर्मी आ गई थी। तो आप सोच सकते हो कि स्ट्राइक बैक हमारा कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए स्ट्राइक बैक जो है नंबर फोर तो डिजर्व ही करता है। आपको क्या लगता है इस पोजीशन पे और किसको होना चाहिए था, तो ज़रूर बताना, और इसके आगे जो आने वाले हैं उसको तो नाम सुन के आपको होश उड़ जाएंगे, तो आखिर तक जरूर देखना। और चैनल पर नए तो चैनल को वही लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नंबर थ्री पे हमारी आती है मिरेकुलर क्वीन। जैसे कि आपको पता है मिरेकुलर क्वीन के बारे में, जो कि सारे के सारे मिरेकुलस होल्डर जितने भी है उन सभी को कंट्रोल कर सकती है और उनसे अपना काम करा सकती है। सीजन टू के फिनाले में आपने देखा था कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, इसको लड़ने के लिए हमारे लेडी बग के पास आर्मी ही कम हो जाती, क्योंकि सारी की सारी आर्मी मिरेकुलर क्वीन के पास होती है और ये खुद सारे मिरेकुलस को हासिल भी कर लेती है, जो कि हमारे सीरीज का मेन विलन मोनार्च भी नहीं कर पाता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल थी, और ये नंबर थ्री तो डिजर्व करती है, और इसका स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। नंबर सेकेंड पे जो आता है, नंबर सेकेंड पे आपको पता ही होगा हमारे टाइम टाइगर आता है, यानी कि एक ऐसा जिसके पास टाइम कंट्रोल की पावर हो, और जिसके पास टाइम कंट्रोल की पावर है वो पूरे यूनिवर्स और पूरे टाइमलाइन के लिए ख़तरनाक होता ही है। ये टाइम टाइगर एक ऐसा विलन था जिसको हराने के लिए दो लेडीबग और दो कैटनोर और एक ऐसा जो कि टाइम की पावर जिसके पास है यानी कि बेनी मेरेकुलस की होल्डर फेलिक्स को भी आना पड़ा था। इतने सारे लोगों ने मिलकर टाइम टाइगर को हराया था, और टाइम टाइगर की पावर काफ़ी ज़्यादा मस्त थी और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा कूल था। तो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि ये नंबर सेकंड पोजीशन तो डिजर्व करता ही है, और नंबर फर्स्ट पे आता है, तो इसके बारे में गेस करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, वरना मैं ही बता देता हूँ। नंबर वन पे आता है हमारा कैट ब्लैंक। कैट ब्लैंक को बात आपको पता होगा कि ये मिरेकुलस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्मेटाइज विलन है, जो कि अभी बना नहीं है, फ्यूचर में जाके बन सकता है। और आपको पता होगा फ्यूचर में अगर ये बनेगा तो ये पूरी की पूरी मल्टीवर्स लेवल की डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, क्योंकि ये इसके पास डिस्ट्रक्शन की पावर है, और ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ अपने वर्ल्ड अपने यूनिवर्स को नहीं पूरे के पूरे मल्टीवर्स को भी ख़त्म कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल विलन बन जाता है, तो आप लोग भी इससे एग्री तो करोगे, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा कूल था, तो इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो नंबर वन पे ये डिजर्व करता है। आपकी क्या लिस्ट थी टॉप 10 एक्मेटाइज विलन की, तो भी कमेंट बॉक्स में बताना, और इसकी सेकंड पार्ट भी चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।